फ्रेंड्स, इस वीडियो को उत्तर प्रदेश की टीजीटी और पीजीटी तथा जूनियर लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रख करके, जो जूनियर लेवल का सामाजिक अध्ययन वाला पार्ट होता है उसमें भी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी के सवाल पूछे जाते हैं, और टीजीटी में जो सामाजिक अध्ययन का पार्ट होता है, जो सोशल का पार्ट होता है, वहाँ पर भी इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, ये चार सब्जेक्ट होते हैं। चार में से जो है वो 62 सवालों का जो है कम्बिनेशन होता है, एक सवाल का अतिरिक्त कम्बिनेशन होता है, टोटल 125 सवाल करने होते हैं, चार नंबर का एक सवाल होता है। तो इस प्रकार की संभावित परीक्षाओं को ध्यान में रख करके इस वीडियो को तैयार किया जा रहा है। इस वीडियो में हम भूगोल विषय की बात करेंगे। अब भूगोल विषय की बात किस बेसिस पे होगी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर किसी थ्योरी को नहीं कवर किया जाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की अब तक विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में जो भी ज्योग्राफी के सवाल पूछे गए हैं, वो चाहे आपका जो है पीएससी में सवाल पूछा गया हो या टेट वगैरह में जो सवाल पूछा जाता है, और यहाँ तक कि जो है टीजीटी पीजीटी के जो प्रीवियस ईयर के साल्व पेपर हैं, उन सारे प्रश्नों का जो है संकलन होगा, और जिसको हम जो है एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझाएंगे। काफ़ी हद तक जो है ये वीडियो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए आप यूट्यूब पर जीएस गंगा सर्च करके आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपके काम का है वीडियो तो, अन्यथा कोई बात नहीं है। आइए इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हमारा वायुमंडल जो है, हमारी पृथ्वी जो है चारों तरफ से एक वायु के परत से घिरी हुई है इस तरीके से, और इन परतों को, इन गैसों को जो है, इनमें तमाम प्रकार की गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, नाइट्रोजन होता है, वो अलग बात होता है कि कितना होता है कितना नहीं होता है, उसको आगे बताएंगे प्रश्न के हिसाब से। तो इन परतों को मोटे मोटे तौर पर बांट दिया गया है भूगोलवेत्ताओं ने, उनका नाम दे दिया है, एक का नाम है क्षोभ मंडल, उसके बाद में दूसरा है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल है, और फिर जो है आयन मंडल है, या इसको बहिर्मंडल भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो समताप मंडल होता है, यहाँ पर तापमान लगभग समान होता है। क्या होता है, यहाँ पर तापमान लगभग समान होता है, इसलिए जब तापमान समान होता है तो मौसम के लिए एक आवश्यक कारक होता है तापमान, और जब तापमान समान रहता है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं नहीं उत्पन्न होती हैं, और प्राकृतिक घटनाएं नहीं उत्पन्न होती हैं, इसलिए वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल सबसे महत्वपूर्ण होता है। समताप मंडल वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशा प्रस्तुत करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो देखिए, पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करने वाले कई से कारण होते हैं, जिसमें सूर्यातप होता है, सौर विकिरण होता है, समुद्र से दूरी तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो है हाँ, समुद्र से दूरी होता है, ठीक है, पार्थिव विकिरण भी होता है, लेकिन सबसे प्रमुख कारण सौर विकिरण होता है। ठीक है, सौर विकिरण का मतलब ये है कि जो, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी, ये सूर्य है, आपको पता होगा कि सूर्य जो है वो क्या होता है, वो बीच में होता है और पृथ्वी उसके चारों तरफ की चक्कर लगाती है। तो जब पृथ्वी का एंगल जैसे जैसे चेंज होता रहता है, उसी तरीके से होता क्या है कि यहाँ से जो सनरेज है, जो सौर विकिरण है, वो पृथ्वी पर प्राप्त होने की मात्रा घटती रहती है, बढ़ती रहती है। तो इसलिए सौर विकिरण जो होता है वो तापमान के वितरण को पृथ्वी पर प्रभावित करने वाले एक अनिवार्य कारकों में से एक होता है। और नेक्स्ट सवाल आपको बताने से पहले बताना चाहूँगा कि जब आप जो है विश्व मानचित्र को देखेंगे तो वहाँ पर हमारे जो महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों में यूरोप और एशिया जो महाद्वीप है वो एक सा नज़र आता है, और इसलिए उनको ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से यूरेशिया भी बोलते हैं, यानी कि यूरोप और एशिया को मिला करके यूरेशिया कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है एशिया और इधर लिखा हुआ है यूरोप। तो एशिया और यूरोप के बीच में एक विभाजक सीमा है, उसका नाम है यूराल पर्वत। ठीक है, उसका नाम है यूराल पर्वत। उसके बाद में एक और ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है जिसका नाम है कॉकेसस पर्वत। अगर आप यूरोप में देखेंगे कैस्पियन सागर के पास में, यहाँ पर जो है कॉकेसस पर्वत है। तो इसी सवाल, इन्हीं दोनों
तथ्यों को लेकर के अगला सवाल है कि यूरोप जो है किन संरचनाओं से या किस चीज़ से जो है एशिया से अलग होता है। यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि यूराल पर्वत अलग करते हैं, तो यूराल पर्वत आप मैप पे देख चुके हैं एशिया और यूरोप को अलग करता है। यूराल एवं काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि यूरोप कहाँ पे है, एशिया कहाँ पर है और यूराल कहाँ पे है, कॉकेसस कहाँ पे है। एक सवाल यहाँ पर और ये बन सकता है, कभी कभी इनकी सीमा पूछ लिया जाता है कि कॉकेसस पर्वत किसके निकट में है। तो मैप पे देखिएगा कि कॉकेसस पर्वत जो है वो कैस्पियन सागर के निकट में है और कैस्पियन सागर से सटे हुए देशों की सीमाएँ बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, इसको हम अभी आगे बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर ये जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है कि भूपर्पटी पर वह स्थान जहां से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे क्रेटर कहा जाता है या उद्गम केंद्र कहा जाता है या केंद्र कहा जाता है या अभिकेंद्र कहा जाता है। तो उसे जो है अभिकेंद्र कहा जाता है। अब इसको समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये भूपर्पटी है। भूपर्पटी कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो संरचना होती है, जिस पर सामान्य जनजीवन है, जिस पर पेड़ पौधे उगे हुए हैं, जिस पर मानवीय बस्तियाँ हैं, वो हिस्सा जो होता है वो भूपर्पटी कहलाता है। और उस भूपर्पटी पर जब पृथ्वी में सुदूर कहीं स्थित जो भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, जैसे मान लीजिए पृथ्वी की भूपर्पटी है और पृथ्वी से कहीं सुदूर जो है दूरी पर स्थित जो है कहीं अन्यत्र जब फोकस क्या कहते हैं जब तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो जहाँ पे तरंगे उत्पन्न होती हैं उसको फोकस का केंद्र कहते हैं, सॉरी उसको भूकंप का फोकस कहते हैं, यानी कि केंद्र कहते हैं, या इसी का नाम जो है वो उद्गम केंद्र भी मिलता है, उद्गम केंद्र कहते हैं। लेकिन जब भूपर्पटी पर वो तरंगे जाकर के टकराती हैं तो जिस स्थान पे सबसे पहले टकराती हैं उसको क्या कहते हैं, उसको अभिकेंद्र कहते हैं। यानी कि अभिकेंद्र और केंद्र दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और अगला है कि पृथ्वी को भू आभ के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है। तो पृथ्वी को भू आभ के रूप में इसलिए वर्णित किया जाता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या है, वो परवलयाकार कक्षा में जो है चक्कर लगाती है इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि पृथ्वी बताने के तौर पे तो समझा जाता है कि ग्लोब है, एक गोल संरचना है, पृथ्वी जो है गोल संरचना है, लेकिन एक्चुअल में ज्योग्राफर कहते हैं भूगोलवेत्ता बताते हैं कि पृथ्वी जो ध्रुव है, जैसे आप जानते होंगे कि हमारे यहाँ क्या है, पृथ्वी के दो पोल हो है ना, एक को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, एक को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो इन ध्रुवों पे पृथ्वी क्या है, चपटी है, और इस चपटी संरचना के कारण क्या कहते हैं, पृथ्वी को भूआभ कहते हैं। यहाँ पर विकल्प में लिखा हुआ है कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्यों पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है? आपको बता दें कि जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, ठीक है, उसके बाद में क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इससे इसका अभी तो नहीं लेना देना है, लेकिन चंद्रमा का एक ही भाग इसलिए दिखता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ जितने टाइम में घूमता है उसका भी जो अपने अक्ष पे घूमने का जो टाइम है वो सेम है। यानी कि चंद्रमा का अपने अक्ष पे घूमने का टाइम सेम है, बराबर है, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने का समय भी बराबर है। इसलिए हमें हमेशा पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है, ध्यान दीजिएगा, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है, इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। और अगला सवाल अमेजन बेसिन को लेकर के है। अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया है कि अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैंग्रोव से ढका है। तो अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, इसलिए पहला स्टेटमेंट नहीं सही होगा। अगला है कि अमेजन नदी बेसिन ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना के भागों से अपवाहित होती है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा है अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है, तो सी स्टेटमेंट सही है। अगला है कि अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर पश्चिम दिशा में बहती है, तो डी स्टेटमेंट भी गलत है। अब डी स्टेटमेंट
बी स्टेटमेंट और ए स्टेटमेंट गलत क्यों है, इसको जानने से पहले आपको मैप को देखना जरूरी होगा। अगर आप मैप पर देखेंगे तो ये है दक्षिण अमेरिका का मैप है, और दक्षिण अमेरिका के मैप पे अगर आप देखेंगे तो अमेजन नदी का जो बेसिन है, बेसिन का मतलब समझते हैं क्या होता है, बेसिन का मतलब ये होता है कि कोई भी नदी या वाटर बॉडी जितने क्षेत्रों पे अपने जल प्रभाव को बनाती है उसको ज्योग्राफी की भाषा में, भूगोल की भाषा में बेसिन कहते हैं। अगर आप मैप पर देखेंगे तो ये अमेजन नदी है और ये सारे इसके जो है अपवाह क्षेत्र हैं, यहाँ से तमाम जल वितरकाएँ हैं जो इसमें अपना अपने जल का जो है कंट्रीब्यूट करती हैं, इसमें अपने जल को विसर्जित करती हैं, इसलिए इसको बेसिन बोलते हैं। उसके बाद में भूमध्य रेखा इसलिए इसको बोला गया है क्योंकि यहाँ पर जो है वो इक्वेटर है, जीरो डिग्री क्या है, ये जीरो डिग्री इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, तो इक्वेटर के इर्द गिर्द के जो क्षेत्र होते हैं उसको भूमध्य रेखीय क्षेत्र बोलते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट सही है कि अमेजन नदी जो है, अमेजन नदी बेसिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में स्थित है। लेकिन एक स्टेटमेंट ये भी है कि अमेजन नदी बेसिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में स्थित पश्चिम की ओर अपवाहित होती है, तो ये पश्चिम की ओर अपवाहित नहीं होती है, ये अटलांटिक महासागर में जा करके अपना जल विसर्जित करती है, वहाँ पर जो है ये अपने ऐश्वरी का निर्माण करती है। देखिए वहाँ पर डेल्टा शब्द आया था, तो अमेजन नदी जो है वो ऐश्वरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा और ऐश्वरी होता क्या है इसको हम आगे के वीडियो में बताएंगे, अगर सवाल मिलेगा उस तरीके से। तो उसके बाद में अमेजन बेसिन किन किन देश को टच करती है ये भी वहाँ पर विकल्प में दिया गया है, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एक तो ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील की एक बात और है कि कहवा के उत्पादन के लिए विश्व फेमस है। एक और बात यह है, ये है कि दक्षिण अमेरिका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। आप मैप पर अगर देखेंगे ये, तो सबसे बड़ा जो देश है वो ब्राज़ील ही है। उसके बाद में ब्राज़ील के बाद में और किन देशों को जो है ये अमेजन टच करती है, अमेजन नदी, तो यहाँ पर देखिएगा ब्राज़ील के बाद में आपका पेरू है, उसके बाद में कोलंबिया है, और देखिए वहाँ पर बोलीविया को बताया गया है, तो बोलीविया जो है बोलीविया को नहीं टच करती है। और उसके बाद में अर्जेंटीना के बारे में बताया गया है, तो अर्जेंटीना को भी नहीं टच करती है। यानी कि ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया को ये अमेजन बेसिन टच करता है, ठीक है। इन क्षेत्रों में अमेजन बेसिन का जल अपवाहित होता है। एक बात यहाँ पर और जान लेना जरूरी है कि भूमध्य रेखा पर दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देश स्थित हैं। तो भूमध्य रेखा आप इक्वेटर देख ही सकते हैं, यहाँ पर देखिए ब्राज़ील हो गया, उसके बाद में कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, और इक्वाडोर ध्यान रखिएगा इक्वाडोर का संबंध अमेजन बेसिन से नहीं है। उसके बाद में पेरू हो गया, यहाँ पर देखेंगे तो पेरू की जो है सीमा, उत्तरी हिस्सा जो है वो भूमध्य रेखा को टच करता है। तो ये देश हो गए भूमध्य रेखा के और साथ ही में अमेजन बेसिन के। अगला है कि विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन है। तो भारत का विश्व में सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह मनाली राजमार्ग है, जो कि 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट है कि भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है। न्यूनीकरण क्रियाविधि का मतलब ये है कि भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए वो कौन कौन से तरीके हैं जो अपनाए जा सकते हैं, और विकल्प में पूछा जा रहा है कि कौन सा वो तरीका है जो नहीं है। तो विकल्प में बताया गया है कि भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना चाहिए। तो देखिए कम नहीं करना चाहिए, भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति के आवरण को बढ़ाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि वनस्पतियां क्या होती हैं, मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए कोई वनस्पति है, और वनस्पति की जड़ें आप देखेंगे कि बहुत दूर दूर तक जाती हैं, तो ये जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, वो मिट्टी के स्ट्रक्चर को पकड़ लेती हैं, बनाए रखती हैं। और ये वनस्पतियाँ जब मृदा को अच्छी तरीके से जो है अपने आप में जो है सिमट लेती हैं, उसको पकड़ लेती हैं, तो मृदा का कटाव क्या होता है, वो रुक जाता है। तो इसलिए वनस्पतियों के आवरण को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत होगा। दूसरा है कि भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए सतही अपवाह का नियंत्रण सुनिश्चित करना। तो सतही माने कि पृथ्वी के भूपरपट्टी पे जो तमाम वाटर बॉडी के द्वारा, विभिन्न जल निकायों के द्वारा जो मृदा का अपवहन होता है, जो मृदा जो है क्या कहते हैं, एक प्रकार से मृदा का जो कटाव होता है, उसको भी नियंत्रित करना का क्या सही है भूस्खलन के लिए, तो बी स्टेटमेंट सही है। भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों की पहचान के लिए संकट मानचित्रण, तो देखिए ये तो मृदा के भूस्खलन को रोकने के लिए, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए एक प्रकार से प्लानिंग वाली योजना हो गई कि उसका एक मैप तैयार किया जाए और देखा जाए कि किन किन क्षेत्रों में मृदा कटाव है। जैसे चंबल के क्षेत्रों में, राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में मृदा का कटाव बहुत तेज़ी से जारी है, तो उसको
बचाने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास अपने स्तर पर किया जा रहा है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना, तो ये स्टेटमेंट भी इसका सही है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सही नहीं है। तो भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पतियों के आवरण को बढ़ाना चाहिए, ना कि घटाना चाहिए, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।